अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली किचन विद चंदा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यमी डिलीशियस स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, जो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी, बड़ों को भी यकीनन पसंद आएगी। और ये बहुत इजी और क्विक बन जाती है। सिर्फ एक कप क्रीम से हम तकरीबन घर में एक लीटर आइसक्रीम तैयार करने वाले हैं। जी हाँ, सिर्फ एक कप क्रीम से एक लीटर आइसक्रीम। तो चले जल्दी से हम आइसक्रीम शुरू करते हैं। मैंने एक कप फ्रेश क्रीम ली है, ये व्हिप्ड क्रीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, बस ये अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। मैं इसे 5 से 7 मिनट के लिए बीट कर दूंगी, जब तक ये वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स देखें, हमारी क्रीम व्हिप्ड हो चुकी है। ये देखें, मैं इसको उठा रही हूँ तो ये नीचे नहीं गिर रही, इट्स मीन कि ये हमारी डन हो चुकी है। अब मैं इसमें शुगर ऐड नहीं करूँगी। एक कप, जिस कप से मैंने क्रीम मेयर की थी उसी कप से मैं मेयर करके कंडेंस मिल्क लूँगी। 1 कप कंडेंस मिल्क लिया है मैंने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसे अच्छे से इसके साथ फिर एक दफ़ा मैं मिक्स करूँगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए बस। व्यूअर्स, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तकरीबन 1 कप उसी मेयर कप, जो भी आपके पास हो, जिस कप से आपने क्रीम मेयर की थी, कंडेंस मिल्क मेयर किया था, उसी से हम ये स्ट्रॉबेरी, मैंने स्ट्रॉबेरी लेके इसे प्यूरी बना ली है। तकरीबन 1.5 कप मैंने स्ट्रॉबेरी ली थी, उसे थोड़ी सी चीनी में डाल के शेक कर लिया था। इसे पानी नहीं डालना आपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे पहले साफ़ कर लीजिए अच्छे से। इसे फिर हम बीट करेंगे, बीटर हम दोबारा चलाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। व्यूअर्स, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे, हमारी आइसक्रीम डन हो चुकी है, अब मैं इसे एक कंटेनर में डाल लूँगी। व्यूअर्स, मैंने एक मोल्ड ले लिया है, मैं इसमें अपनी आइसक्रीम शिफ्ट कर दूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, तकरीबन 1 कप क्रीम से 1 लीटर या उससे भी ज़्यादा आइसक्रीम तैयार हो जाती है। आपके सामने ही मैंने दिखाई आपको, ये देखिए हमारा मोल्ड भी फुल हो गया है। अब मैं इसे दूसरे मोल्ड में डाल लूँगी, क्योंकि हमारी आइसक्रीम बच गई है। व्यूअर्स, मैं आइसक्रीम में थोड़ी सी गार्निशिंग करूँगी। मेरे पास स्ट्रॉबेरी प्यूरी थी जो बच गई थी, मैं इसके ज़रिए इसकी गार्निशिंग करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपनी मर्ज़ी से किसी तरह भी इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैंने टूथपिक ले ली है, ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन बन रहा है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। व्यूअर्स, गार्निशिंग मैंने कर ली है। अब मैं इस पर प्लास्टिक रैपर चढ़ा कर इसे रैप कर दूंगी और इसे तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। अगर ओवरनाइट अगर आप इसको रख देते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो अब इसे मैं पैक करके तो रख देती हूँ। व्यूअर्स, मैंने इसे सेट होने के लिए ओवरनाइट रख दिया था, ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसका रैप रिमूव करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सेट हुई है। सिर्फ 1 कप क्रीम से हमने 1 लीटर आइसक्रीम बनाई है। मैं इसे स्कूप अप कर आउट करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से, व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सेट होकर निकल आई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। बहुत इजी वे से मैंने आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से बताया है कि हम घर में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कैसे बना सकते हैं। बाकी डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जैसे मर्ज़ी चाहें कर सकते हैं। यकीन जाने आज की वीडियो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और नए देखने वाले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। फ़ी अमान अल्लाह।